पलामू जिला की अध्यक्ष प्रभा देवी आम जनता की शिकायत पर संज्ञान भी लेती है व स्थल निरीक्षण भी करती है। अधिमन मद की राशि से लेसीगंज के दारूडी में हो रहे पीसीसी पथ निर्माण का निरीक्षण करने पहुंची जिला परिषद अध्यक्ष ने निर्माण कार्य बेहतर करने की हिदायत दी। कैपिटल न्यूज से बातचीत में जीप अध्यक्ष स्थानीय जीप सदस्य ने निर्माण कार्य पर संतुष्टि जताई, साथ ही कहा कि सरकार से बजट की कमी की वजह से विकास कार्य की गति धीमी है। पलामू जिला के गांव में विकास कार्य को पहुंचाना है तो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना होगा। मौके पर जीप अध्यक्ष प्रभा देवी ने गुणवत्ता पूर्वक कार्य की नसीहत देते हुए स्थानीय लोगों से भी मॉनिटरिंग करने की अपील की है। उनकी माने तो गांव का विकास कार्य आम जनता के हित के लिए है, जिसकी निगरानी हर किसी को करनी चाहिए। साथ ही जरूरत पड़ने पर उनसे हर वक्त संपर्क करने की बात कही, ताकि कोई भी समस्या हो इसका निपटारा आसानी से किया जा सके। नावत निधि से यहाँ पे रोड बन रहा है पथ निर्माण, उसमें मैं अपने से आकर के यहाँ निरीक्षण की है ना, उसमें गुणवत्ता पूर्वक पाया गया, अच्छा काम हो रहा है। और मैं बोली कि गुणवत्ता पूर्वक काम होना चाहिए, जहाँ भी अनावत निधि से काम होती है वहाँ पे जा कर के मैं निरीक्षण करती हूँ और अच्छा काम होने पर मैं संतुष्ट रहती हूँ। इसलिए यहाँ पर भी हम बोले कि आप लोग अच्छा काम कीजिए, गुणवत्ता पूर्वक काम कीजिए, गुणवत्ता पूर्वक में कोई कोताही नहीं होना चाहिए, न तो फिर जो है ठीक बात नहीं है। इसलिए अच्छा काम होना चाहिए, मैं यहाँ पे आकर के बहुत संतुष्ट हूँ, अच्छा लोग काम कर रहे हैं।